morning all of you. This is our English class. So today we are going to start write letter F. इसके पहले हमने E तक लिखना अच्छे से सीख लिया था, ठीक है? एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लेटर F लिखना सीखेंगे. सबसे पहले हमने क्या लिखना सीखा था? A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, and E for elephant. यहां तक हमने अच्छे से लिखना सीखा था ना, तो आज हम लिखना सीखेंगे F for fish. क्या लिखना सीखेंगे आज हम? F for fish. देखिए कैसे लिखते हैं. जैसे आपने E बनाया था ना, सेम वैसा ही F for fish. सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्लीपिंग लाइन, ठीक है? ये बन गया हमारा F. देखिए स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और एक और स्लीपिंग लाइन, ये बन गया हमारा F. ये देखिए F for fish. आप तो पूरी कॉपी में नीचे तक F for fish लिखना है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी से करना है. यही आपका क्लास वर्क है. पूरी कॉपी में F लिखना है, सॉरी पूरी कॉपी में नहीं, पूरे पेज पर F लिखना है, और यही होमवर्क भी है आपका, ठीक है? अब देखिए आप ये देखो, दिख रही है आपकी बुक आपको, ये क्या लिखा है यहाँ पर? F for fish. क्या लिखा है ये? F for fish. अब देखिए F से क्या क्या चीजें होती है. F से होता है F for fox, F for fan, F for four. वो जो आप 1 2 3 4 लिखते हैं ना, वो होता है F for four. फिर ये F for frog. आप याद है फ्रॉक पहनते हैं ना आप सभी, तो ये भी होता है F for frog. F से बहुत सारी चीजें होती है. F for fan, F for fish, F for frog, F for frog, ऐसे बहुत सारी होती है. देखिए ये जो आपकी बुक है ना, बुक में भी F बना हुआ है. आपको यहाँ पर F लिखने की प्रैक्टिस करना है. अभी हमें सिर्फ कैपिटल लेटर वाला ही F लिखना है, ये स्मॉल लेटर वाला F नहीं लिखना है, ठीक है? तो ये आपको बुक में भी F लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से करना है. आज हम इतना ही लर्न करेंगे, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे. थैंक यू.